दिल्ली समेत देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। अखबारों में छपा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो भीख मांगे या चोरी करे, चाहे जैसे भी ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। वैसे ये भाषा न्यायपालिका को शोभा नहीं देती, लेकिन हमारे देश में जज साहबों को सब माफ है। इसी बहाने न्यायपालिका को आईना दिखाना भी जरूरी है। ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बना वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कंपनी का कॉपर प्लांट है। वर्ष 2018 में यहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, तब से ये बंद पड़ा है। स्थानीय ईसाई मिशनरियां नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई उद्योग धंधा चले, क्योंकि इससे उनके धर्मांतरण के काम में रुकावट आ रही। बिना इस षड्यंत्र को समझे मद्रास हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को सील करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष दिसंबर में जब ये केस गया तो उसने भी कोई राहत नहीं दी। स्टरलाइट की ये फैक्ट्री आज अगर चल रही होती तो देश में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का एक बहुत बड़ा केंद्र होती। स्टरलाइट कंपनी ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उसे अनुमति दी जाए तो पहले दिन से ही वो रोज 1000 टन से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई है। अदालतें आज जिस ऑक्सीजन के लिए सरकारों को फटकार लगा रही हैं, उसके उत्पादन की कमी के लिए वो स्वयं दोषी है। वास्तव में आज देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा ही नहीं होता यदि स्टरलाइट जैसी कंपनियों को षड्यंत्र का शिकार नहीं बनाया गया होता। ईसाई मिशनरियां आए दिन देश के अलग अलग इलाकों में पर्यावरण और मजदूर आंदोलन की आड़ में औद्योगिक संकट पैदा करती रहती हैं। किसी भी पिछड़े क्षेत्र में जब उद्योग धंधे लगते हैं तो उन्हें धर्मांतरण की अपनी दुकान बंद होने का खतरा सताने लगता है। ये भारतीय न्यायपालिका के लिए आत्ममंथन का समय है। उसके अदूरदर्शिता भरे निर्णय देश में किस किस तरह के संकटों को जन्म दे रहे हैं।